हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन। एंड इस डिज़ाइन को गाइस मैंने बनाने के लिए दो फैब्रिक यूज़ किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शोल्डर 1/4 इंच, आर्म होल 1/4 इंच, हाफ इंच मार्जिन के लिए लिया है। चेस्ट में मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है, टोटल हुआ 11 इंच। वेस्ट भी मैंने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है, 11 इंच। 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है नीचे वाली साइड से फोल्ड करने के लिए। लेंथ 13 इंच, शोल्डर टू डॉट 10 इंच ली है मैंने, डॉट मैंने ली है 3.5 इंच, टोटल 7 इंच। ब्लाउज को मैंने स्टिच कर लिया है साइडों से। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पेपर फॉर्म लिया है, इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच, लेंथ हम रखेंगे 9 इंच। ये मैंने इसको इस तरीके से चिपका लिया है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे। हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, इस साइड भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। दो इंच के निशान पर ही हम डोरी अटैच करेंगे। नेक कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब हम इसमें डॉट डालेंगे। अब देखिए इस तरीके से जितना हमने मार्जिन लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर कर इस तरीके से स्टिच करेंगे। एक इंच की मैंने ये पट्टी ली है,
नेक पर हम इस तरीके से पाइपिंग जॉइंट करेंगे, इस तरीके से स्टिच करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, करीबन ये 10 इंच इसकी चौड़ाई है। ये मैंने डिज़ाइन बना लिया है, स्टिच करेंगे। पहले हम इस वाली साइड से स्टिच करेंगे। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, पाइपिंग को इस तरीके से स्टिच करेंगे। सेंटर पर निशान लगाएंगे और इस साइड भी सेंटर पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब देखिए, अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से सेंटर पर निशान लगाएंगे। अब हमें इसको इस तरीके से रखना है, सेंटर टू सेंटर रखेंगे इस तरीके से। पिनअप करेंगे,
ये देखिए, अब डोरी में हम लुपी लगाएंगे। लुपी लगाने के लिए मैंने ये 3 इंच की पट्टी कटिंग की है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से करेंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच ली है मैंने। अब इसको हम पट्टी को इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए कि मैंने स्टिच कर ली है। अब देखिए अब क्या करना है, पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और इस वाली को हम इस तरीके से रखेंगे एंड सिलाई हमें सेंटर पर ही लगानी है। ये मैंने कंप्लीट कर ली है पट्टी। अब देखिए अब क्या करना है, ये पट्टी की सीधी वाली साइड है एंड ये पट्टी की उल्टी वाली साइड है। डिज़ाइन बनाएंगे हम पट्टी की उल्टी वाली साइड से, इस तरीके से नीडल से इस तरीके से डॉट करेंगे इस तरीके से। देखिए देखिए कुछ इस तरीके से आएगा डिज़ाइन। इसी तरीके से हम डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम इस डिज़ाइन को इस तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से हम मोती अटैच कर लेंगे डिज़ाइन पर एंड यहाँ भी हम सेंटर पर मोती अटैच करेंगे।